नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉन प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी को। यहां पर हम बात करने वाले हैं प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था एनपीडीआर, माइल्ड एनपीडीआर, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर। अब हम बात करने वाले हैं पीडीआर, प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में, जहां पर हम कुछ नए चेंजेस यहां देखने को पाएंगे। क्या नए चेंजेस होंगे उसको देखें। हमने बताया था आपको एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल्स अगले स्टेज में होना है। तो यहां पर प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में न्यूवैस्कुलराइजेशन होता है। न्यूवैस्कुलराइजेशन इसलिए होता है क्योंकि यहां पर वीईजीएफ फैक्टर्स जो रिलीज होते हैं वो इस्चीमिया की वजह से रिलीज होते हैं। इस्चीमिया की वजह से जब वीईजीएफ रिलीज होते हैं तो वो नए वैस्कुलर फॉर्म्स, वैस्कुलर वेसल्स फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर नए नए रेटिनल वेसल्स का नया नया फॉर्मेशन होने लगेगा। इस इमेज में हम प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी के मामले में नए नए वेसल्स, ये देखिए छोटे छोटे वेसल्स डेवलप हो रहे हैं। वेसल्स कहां डेवलप हो रहे हैं इसको भी देखा गया है दो तरीके से, एक न्यूवैस्कुलराइजेशन जो डिस्क के आसपास हो रहा है और दूसरा एल्सवेयर कहीं और हो रहा हो। इस इमेज में हम नॉन प्रोलिफेरेटिव और प्रोलिफेरेटिव के बीच के डिफरेंस को समझ पाएंगे। आपको मैंने बताया था एन्यूरिज्म होता है, उसके बाद हेमरेजेस हो सकते हैं, उसके बाद हार्ड एग्जुडेट्स, यहां तक के मामले नॉन प्रोलिफेरेटिव में देखने को मिलते हैं। प्रोलिफेरेटिव में इसके बाद चेंजेस होंगे, डिस्क के आसपास के एरियाज में एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स का ग्रोथ शुरू हो जाता है। हालांकि यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जा सकती, नए वेसल्स का यहां डेवलपमेंट अच्छी बात नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि फाइब्रोवैस्कुलर इपी रेटिनल मेम्ब्रेन्स बनने लगते हैं, क्योंकि नए वेसल्स के चारों ओर फाइब्रोवैस्कुलर इपी रेटिनल मेम्ब्रेन्स बनने लगते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के कंडेंसेशन के वजह से बनते हैं। ये आगे चल करके विट्रियस डिटैचमेंट करा सकते हैं। ये हार्ड होते हैं कंडेंसेशन की वजह से बनने वाले मेम्ब्रेन्स, यहां विट्रियस का डिटैचमेंट करा सकते हैं और ये जो नए वेसल्स बने हैं इनमें भी हेमरेजेस हो सकते हैं। तो यहां पर कैसे इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं उसको समझें। डायबिटिक रेटिनोपैथी के इस मामले में, प्रोलिफरेटिव वाले मामलों में, पहला है माइल्ड लेवल का, नया यहां पर एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हुआ हो, और जैसा कि खुराना ने लिखा भी है अर्ली न्यूवैस्कुलराइजेशन एट ऑप्टिकल डिस्क, या फिर कहीं और हुआ हो, लेकिन इसमें पहले क्लासिफिकेशन में कोई भी हाई रिस्क करेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलते हैं। उसके बाद इस तरीके के न्यूवैस्कुलराइजेशन के साथ हाई रिस्क करेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। हाई रिस्क करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? विट्रियस हेमरेजेस होना, जो नए वेसल्स में हो रहा है उनमें हेमरेजेस होना, इसके अलावा पेरी रेटिनल हेमरेजेस होना, ये हाई रिस्क करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बारे में खुराना ने डिस्कस किया है। अभी तक जितनी भी बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया उसको समराइज कर लें। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से सबसे पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा नॉन प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में, जिसमें पेरिसाइट्स का लॉस हुआ, बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनेस हुई थी, वेस्कुलर लीकेज हुए थे, हेमरेजेस हुए थे और ब्लड वेसल्स का अल्टरेशन हुआ था, जिसको हम लोगों ने इंट्रा रेटिनल माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज के तहत पढ़ा था। टिश्यू की हाइपोक्सिया होगी क्योंकि ऑक्लूजन के कारण यहां पर ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पा रहा है। इसके बाद नॉन प्रोलिफेरेटिव के बाद प्री प्रोलिफेरेटिव और प्रोलिफेरेटिव की बातें आएंगी। तो प्री प्रोलिफेरेटिव अगर ना भी कहें सीधे हम यहां पर समझ लें, क्योंकि प्री प्रोलिफेरेटिव को आप यह समझ लें नॉन प्रोलिफेरेटिव का सीवियर ग्रेड। तो वहां पर माइक्रो एनिरिज्म, एडिमा, ये सारी चीजें चलती रही, सॉफ्ट या हार्ड एग्जुडेट्स मिलने लगेंगे, तो ये सीवियर आप इसको समझें हमारे खुराना की बुक के अकॉर्डिंग। फिर प्रोलिफेरेटिव में क्या हुआ? एंजियोजेनेसिस शुरू हुआ, फिर फाइब्रोवैस्कुलर रिजेस बनेंगे और यहां पर फाइब्रोवैस्कुलर एपी रेटिनल मेम्ब्रेन्स फॉर्म होते हैं, ये आगे चल करके रेटिनल डिटैचमेंट कराएंगे जिसके कारण ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो नीचे की ओर बढ़ते हुए हम स्टेजेस ऑफ वैस्कुलर डिसफंक्शन यहां पर देख सकते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट होगा, ब्लाइंडनेस हो सकता है। प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी वेन से अराइज करती है,
ये दो तरीके की होती है, एनवीडी और एनवीई। तो नियोवेस्कुलराइजेशन एट ऑप्टिक डिस्क और दूसरा होता है नियोवेस्कुलराइजेशन एल्सवेयर। तो ये विद इन वन डिस्क डायमीटर अगर ऑप्टिक डिस्क के हो रहा है नियोवेस्कुलराइजेशन तो एनवीडी कहलाएगा, एनवीई जब ये वन डिस्क डायमीटर से अवे हो और कैपिलरी का नॉन परफ्यूजन कैपिलरीज का बहुत ही एक्सटेंसिवली हमें न्यूवेस्कुलराइजेशन एट डिस्क पर देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो डायबिटिक रेटिनोपैथी का इफेक्ट है यह मैकुला के रीजन में कैसे प्रभावित करेगा, क्या क्या यहां पर करेगा, क्योंकि मैकुला वो रीजन है जहां पर शार्पेस्ट विजन बनने के चांसेस होते हैं, यहां पर बेहतरीन इमेज बन सकती है। इसका फोविया सेंट्रलिस जो सेंट्रल पार्ट है इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस रीजन में अगर चेंजेस हो रहा है तो फिर विजन ज्यादा प्रभावित होगी। इस इमेज में आपको दिखाने का प्रयास किया गया है रेटिना ऑप्टिक नर्व के निकलने का पार्ट, यानी वो जो डिस्क है, और यहां पर मैकुला का वो पार्ट जहां पर रॉड एंड कोन्स का जो सबसे खासतौर पर कोन्स का सबसे कंसंट्रेटेड ये जोन है मैकुला। और यहां क्या परिवर्तन पड़ेगा डायबिटीज का, डायबिटिक मैकुलोपैथी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये एडिमा और एक्सुडेट्स हेमरेज के जो चेंजेस हैं वह मैकुला के 500 माइक्रोमीटर एरियाज में होंगे, तो क्या क्या अंतर लाएंगे उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो इस एरिया में अगर हेमरेजेस हो रहे हैं एक्सुडेट्स या एडिमा हो रहा है तो उसके क्या क्या अंतर मिलेंगे उसके बारे में जानना है। जैसे हर जगह पर हो रहा है ओवरऑल रेटिना में, वैसे यहां पर भी होगा, एक्सटेंसिव इस्चीमिया होगा, वैस्कुलर लीकेज होंगे, कैपिलरी के क्लोजर होने के कारण ये बहुत सारे इस्चीमिक चेंजेस मिलेंगे, हर जगह पर हैमरेजेस हो सकता है, इस एरियाज में भी मल्टीपल कॉटन वूल स्पॉट्स मिल सकते हैं, क्योंकि कॉटन वूल स्पॉट्स कैसे बनता है मैंने आपको बताया था, नर्व फाइबर के इनफार्क्ट या इन्फार्क्शन की वजह से कॉटन वूल स्पॉट बनते, तो ये हो सकता है। इसके अलावा IRMA यानी इंट्रा रेटिनल माइक्रोवैस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज भी हो सकती हैं। यहां ध्यान रखना है मैकुला की जो रेंज होती है वो सेंटर से 500 माइक्रोन या माइक्रोमीटर या माइक्रोन के लेवल तक देखी जाती है। तो यहां पर जो डायमीटर है वो हम देखेंगे 500 माइक्रोमीटर तक, और यहां एडिमा एक्सुडेट्स और इस्चीमिया के सारे फीचर्स हम देखने का प्रयास करेंगे जैसे पहले पढ़ते आए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में।